बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम जो नई किताब शुरू करने जा रहे हैं वो है पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी 1947 टू 2009, अ कंसाइज हिस्ट्री बाय अब्दुस्सत्तार। अच्छा, ये जो किताब है ये ओल्ड वर्जन है, अभी इसका अपडेटेड वर्जन भी आ गया है जो कि 2016 तक है। तो हाँ, मेरे पास जो है ना, जो हार्ड में जो कॉपी है वो इसका अपडेटेड वर्जन है, सॉफ्ट में मुझे मिल नहीं रही थी अपडेटेड वर्जन, तो इसलिए मुझे इसी को डाउनलोड करना पड़ा। तो हाँ, अगर आप जो है ना, इसका जो अपडेटेड वर्जन है उसमें जो है ना, एंड पे इन्होंने 3-4 चैप्टर ऐड किए हैं, पीछे इन्होंने कोई इसमें एडिशन नहीं की है, तो इसलिए अभी हम इसी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर आप पाकिस्तान हिस्ट्री के, अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, या फिर अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में अपियर होने जा रहे हैं, तो ये किताब आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगी, स्पेशली पाकिस्तान अफेयर के पेपर में, स्पेशली करंट अफेयर के पेपर में, या फिर पॉलिटिकल साइंस के, या फिर इंटरनेशनल रिलेशन के पेपर में। ये अगर कोई भी क्वेश्चन पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है, या पाकिस्तान की के किसी भी पाकिस्तान में मौजूद किसी भी करंट इशू से रेलिवेंट अगर कोई क्वेश्चन आता है, तो ये किताब जो है ना, बैकग्राउंड सेट करने में उस क्वेश्चन के लिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगी। तो क्योंकि ये जो किताब है, ये पाकिस्तान की पूरी टोटल मतलब फॉरेन पॉलिसी किस तरीके से कैसे काम कर रही थी, कैसी उसमें लूप होल्स थे, और क्या उसकी स्ट्रेंथ क्या थी, वो सारी चीज़ें जो है ना, वो इसमें बहुत डिटेल से डिस्कस की हुई हैं। तो इसलिए ये इस किताब को जो है ना, आज से हम स्टार्ट करेंगे, और इसके टोटल जो है 27 चैप्टर्स हैं जो अपडेटेड वर्जन है उसमें, ठीक है। लेकिन ये जो ये वाली जो किताब है जो अपडेटेड वर्जन नहीं है, उसमें इसके जो है ना सिर्फ 24 चैप्टर दिए हुए, यानी 3 चैप्टर्स अपडेटेड वर्जन में इन्होंने ऐड किए हैं। तो आज से हम जो है ना, चैप्टर नंबर 1 से हम इसको स्टार्ट करेंगे। ये भी पॉसिबल है कि हम जो है ना, एक वीडियो में चैप्टर को कंप्लीट ना कर सके, क्योंकि चैप्टर थोड़े से लेंथी हैं, तो एक वीडियो में उसको वाइंड अप करना बहुत मुश्किल होगा। तो पॉसिबल है कि हम उसको 2 या 3 वीडियोस में डिवाइड करके तो फिर हम उसको करेंगे। तो अच्छा, चैप्टर इसको रीड करने का तरीका ये होगा कि मैं एक पैरा पढ़ूंगी, देन फिर उसको अपनी वर्डिंग में आपको एक्सप्लेन करूँगी, और साथ साथ ना, रीडिंग करते हुए मैं आपको जो है ना, साथ साथ जो मुश्किल अल्फाज हैं उनके भी मीनिंग बताती जाऊंगी। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से। चैप्टर 1, द इमर्जेंस ऑफ पाकिस्तान, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। यहीं पाकिस्तान कैसे बना था उसका थोड़ा सा जो है ना, हिस्ट्री इन्होंने जस्ट थोड़ी सी इन्होंने बताई हुई है, 1.5-2 पेजेस की, ठीक है। तो उसको हम जो है ना, देखते हैं अभी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। द लेट 19th सेंचुरी मार्क द बिगनिंग ऑफ अ सेमियल ट्रांसफॉर्मेशन इन द पॉलिटिकल एवोल्यूशन ऑफ साउथ एशिया विद द पेनिट्रेशन ऑफ मॉडर्न आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म एंड सेल्फ रूल। सेमियल कहते हैं बुनियादी, ठीक है, फंडामेंटल। अंटिल देन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वास्ट जियोग्राफिकल रीजन इनहेबिटेड बाई इंडिजीनियस पीपल एंड settlers of diverse races and religions were ruled by whoever conquered their land. More often a region was an aggregation. Aggregation कहते हैं मजमुए को, ठीक है, of kingdom and princely state with kaleidoscopic boundaries expanding and contracting with the rise and fall of dynasties. Over the millennia, the rulers, millennia कहते हैं हजार साल को, ठीक है, over the millennia, the rulers were as often local as foreign. Some came with the waves of migrations, other as invaders, and most who came from Central Asia settled in the land. अरे, ये थी पाकिस्तान की जो है ना, हज़ार साल पुरानी हिस्ट्री। अच्छा, जो लेट इन जो 19th सेंचुरी थी, यानी 1850 के बाद हुआ ये था कि जो है ना, वहाँ के जो इस रीजन के लोग थे, साउथ एशिया के जो लोग थे, उनके अंदर जो है ना, सेल्फ डिटर्मिनेशन और नेशनलिज्म का जो है ना जज्बा उनके अंदर पनपना शुरू हो गया था। हालांकि इससे पहले जो है ना, बहुत ज़्यादा जितने भी यहाँ के रूलर्स रहे हैं वो सारे क्या थे, वो या तो यहाँ पे माइग्रेट करके आए हुए थे, या फिर उन्होंने इन्वेट किया था यहाँ पे, और वो फिर उसके बाद इसको रूल करना शुरू कर दिया था।
फॉलोइंग अलेक्जेंडर इन्वेजन अक्रॉस द सुलेमान रेंज इन 325 BC, चंद्रगुप्ता मौर्य कॉन्क्वर्ड द इंडस एंड एग्नेटिक प्लान्स। हिज डिसेंट अशोका built a great empire that extended from Afghanistan to Kalinga, Orissa and after his conversion to Buddhism. ये जो अशोका था, इन्होंने अपना मज़हब चेंज करके इन्होंने बुद्धिज़्म को ऑप्ट किया था। स्प्रेड द न्यू रिलीजन थ्रू आउट द लैंड। इन 200 BC, Bactrians from their kingdom between the Hindu Kush range and Amu Darya advanced to occupy the upper Indus Valley. 2 centuries later, they were supplanted by Central Asian Kushans who ruled the region from Peshawar. Supplanted कहते हैं बरतरफ करने को, ठीक है। Extending the helm from the Kabul to Kashgar and Kashmir in the north, to Sindh in the south and the Gangetic plains in the east. The Gandhara region became a meeting place of Buddhist and Halley's art and culture, leaving a legacy of glorious sculpture. After the riding forays ke the chadai ko ya hamla karne ko, of white horns in the 5th century, the region was conquered by the Gupta rulers of central India who unleashed a Brahminical reaction that wiped out Buddhism from the land of its birth. Unleashed कहते छोड़ देना, ठीक है। अच्छा, तो उसमें सबसे पहले क्या हुआ कि अलेक्जेंडर द ग्रेट जो था, जो उन्होंने दुनिया का जो पहला ग्रेट एम्पायर बनाया, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने 320 BC में जो है ना, जो एंशिएंट इंडिया था उसमें इसने अपना ग्रेट एम्पायर बनाया, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ कि 327 BC में अलेक्जेंडर द ग्रेट की राजा पोरस के साथ जो है ना बैटल ऑफ हाइडपस हुई थी, जिसमें उन्होंने क्या किया था कि अलेक्जेंडर को फतह मिली थी और उन्होंने इंडिया के अंदर एक एम्पायर बनाया था, ठीक है। तो अलेक्जेंडर के बाद क्या हुआ कि चंद्रगुप्ता मौर्य आए थे और चंद्रगुप्ता के बाद उनके जो डिसेंडेंट थे अशोका आए थे, वो जो मैंने अभी आपको बताया कि वो बुद्धिज़्म के फॉलोअर्स थे और उन्होंने उसको बहुत ज़्यादा स्प्रेड किया था, ठीक है, इंडिया में। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ कि अरब्स आ गए। अब आगे देखते हैं कि अगले पैरे में क्या लिखा हुआ है। द अरब प्रेजेंटेड साउथ एशिया वाया द इंडस डेल्टा इन द 8th century। अब अरब्स जो थे वो 8th century में आए थे, ठीक है। आफ्टर पायरेट्स अलॉन्ग द सिंध कास्ट प्लिस्ड शिप्स कैरिंग मुस्लिम पिलग्रम्स, द गवर्नर ऑफ बसरा सेंट अ फोर्स अंडर मोहम्मद बिन कासम इन 711 टू दिबल। ये राजा धर ने उन को कर लिया था, जो भी पिलग्रम्स थे जो मुसलमानों के जो हजाज जा रहे थे, तो वो उनको लूट लिया था, उस बैरी बेड़े को लूट लिया था। तो फिर उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम के अंडर लेके एक फ़ौज को भेजा था उन कैदियों को छुड़ाने के लिए। 2 years लेटर मुल्तान बिकेम द फर्स्ट मुस्लिम प्रोविंस इन साउथ एशिया। इन द लास्ट 12th century मोहम्मद गोरी टर्किश रूलर ऑफ गजनी एक्सटेंडेड हिज रैल्म ईस्टवर्ड्स टू दिल्ली। हिज सक्सेसर अल्तमिश एंड बालबन रूल द नॉर्दर्न प्लेन्स ड्यूरिंग द 13th century। द दिल्ली सुल्तनत वॉज टेकन ओवर बाई खिलजीज एंड तुगलक डायनेस्टीज अंटिल द एंड ऑफ द 14th century। आमिर तैमूर marched his army through Afghanistan into Punjab and plundered and sacked. Plundered कहते हैं लूट मार करना, और sacked भी लूट मार को ही कहते हैं, ठीक है। Sacked Delhi before returning to Samarkand in 1399. The Sayyids and the Lodi Afghans subsequently re-established the Delhi Sultanate. In 1526, Babur led his army from Kabul to supplant the last Lodi Sultan, यानी लोधी सुल्तनत को ख़त्म किसने किया था, बाबर ने किया था। अच्छा, जब अरब आए थे 18th century में एज अ ट्रेडर आए थे, ठीक है, फिर पहले वो एज अ ट्रेडर आए, फिर वो एज अ इन्वेडर आए थे, और फिर मोहम्मद बिन कासिम की फ़ौज के अंडर जो फ़ौज आई थी पिलग्रम्स को छुड़ाने के लिए, वो एज अ इन्वेडर आए थे, ठीक है। और फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मुल्तान को अपना पहला प्रोविंस डिक्लेयर किया
713 में, ठीक है। और जो दीबल था उसको फतह किया था मोहम्मद बिन कासिम ने, ठीक है। अब उसके बाद फिर 12th सेंचुरी में गोरी डायनेस्टी स्टार्ट हो गई, ठीक है। उन्होंने दिल्ली को कंट्रोल किया। फिर 1399 में अमीर तैमूर आ गया, जो कि एक टर्किश था। फिर 1526 में जो है ना बाबर ने अपनी सल्तनत की वो बुनियाद रखी थी, ठीक है। बीच में फिर छोटी छोटी डायनेस्टीज जैसे सैयद डायनेस्टी है, लोधी डायनेस्टी है, ये भी आती थी, ठीक है। लेकिन एंड जो वाली जो थी वो लोधी डायनेस्टी थी और उसको बाबर ने ख़त्म किया था, जहीरुद्दीन बाबर जिनका पूरा नाम है। और इन्होंने अच्छा जहीरुद्दीन बाबर अ डिसेंडेंट ऑफ अमीर तैमूर एंड देयर एंड हेयर टू द स्मॉल रिलीफ ऑफ फरगाना एस्पायर टू रिवाइव द एम्पायर ऑफ हिज 14th सेंचुरी एंसेस्टर। ही कैप्चर्ड समरकंद ट्वाइस बट वाज डिफीटेड एंड ड्राइवन अक्रॉस द हिंदू कैश टू काबुल। रिसीविंग एन इनविटेशन फ्राम द गवर्नर ऑफ पंजाब ही मार्च्ड डाउन द पासिस टू कैप्चर द दिल्ली सल्तनत इन 1526 एंड फ्राम हिज न्यू कैपिटल टू एट आगरा ही एक्सटेंडेड हिज रेल्म लेइंग द फाउंडेशन ऑफ द ग्रेट मुगल एम्पायर दैट रोज टू इट्स जेनिथ अंडर शाहजहां इन द 17th सेंचुरी। आफ्टर औरंगजेब द डायनेस्टी वेंट इन टू डिक्लाइन इन द 18th सेंचुरी। इट्स फॉल वॉज हिस्टन बाय यूरोपियन एम्पायर बिल्डर्स हु स्क्रैम्बल्ड टू पिक अप द पीसेस। डिफीटिंग फ्रांस एंड पुर्तगाल ब्रिटेन पुट द पीसेस टूगेदर टू रूल द एक्सपेंडिंग रेल्म थ्रू द ईस्ट इंडिया कंपनी बिफोर अज्यूमिंग डायरेक्ट इम्पीरियल रूल आफ्टर अ कोलिशन ऑफ द एग्रीव्ड लोकल एलीट ट्राई टू रेस्ट पावर बैक फ्राम द कंपनी इन द नेम ऑफ द मुगल ट्यूटुलर अम्पायर इन 1857। ट्यूटुलर अम्पायर कहते हैं यही ब्राय नाम, ठीक है। कॉलिंग इट म्यूटनी, म्यूटनी कहते हैं बगावत को। द ब्रिटिश सप्रेस द चैलेंज इन द सेवेज मैनर द लास्ट मुगल एम्पायर बाद एग्जाइल टू बर्मा एंड ब्रिटेन देन अज्यूम द रेन ऑफ गवर्नमेंट डायरेक्टली अंटिल 1947। अच्छा जब बाबर आ गया तो उसके बाद फिर बाबर ने अपने मुग़ल अम्पायर की जो बुनियाद रखी तो उसके बाद फिर अकबर आया, ठीक है। अकबर ने क्या किया कि अकबर ने दीन इलाही ईजाद किया और यानी उसने मतलब एक ऐसा नया दीन ईजाद किया जिसमें हिंदू और मुसलमानों को जो है ना वो मतलब उनकी बहुत ज़्यादा जो थे उसको उसने मिक्स करके एक नया कोई दीन बनाया था। बिलीव्स को हिंदू और मुसलमानों के बिलीव्स को जो है ना मिक्स करके एक उसने नया दीन ईजाद किया था। और फिर उसके बाद जो है ना इस तरह से ये मुग़ल एम्पायर चलती रही, डिफरेंट बादशाह आते रहे और मतलब फिर उस किसी को कत्ल किया गया, किसी को जो है ना कुछ किया गया और कोई मर गया कुछ ऐसे जिस तरीके से ना मुग़ल एम्पायर। और लास्ट इसका जो था वो था बहादुर शाह जफर, उसको फिर एंड पे इन्होंने बर्मा इन्होंने इसको एग्जाइल करके इसको भेज दिया था, यानी उसको जिला वतन कर दिया था। और फिर 1857 में जब हुई थी जंग हुई थी तो उसमें जो है ना इन्होंने इसको मुग़ल एम्पायर किया ख़त्म कर दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1600 में, तो उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता से ना मुग़ल एम्पायर की जड़ों को खोखला करना शुरू कर दिया। एट दी एंड 1857 में जब जंग आज़ादी हुई थी तो उसमें जो है ना इन्होंने कम्प्लीटली मुग़ल एम्पायर को ख़त्म किया, यानी वो जो एक उनका टिटुलर एम्पायर था वो भी उसको भी एग्जाइल करके बर्मा भेज दिया था। और उसके बाद जो है ना फिर अपना ब्रिटिश ने यानी अपना रूल अपने मतलब एक वो सेट कर दिया यहाँ पे, यहाँ तक कि 1947 में इंडिया सब कॉन्टिनेंट सॉरी इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है तो वो डिवाइड हो गया, ठीक है। पाकिस्तान और इंडिया इन दो मुल्कों में डिवाइड हो गया। द एशियन पीपल हु केम विद द वेव्स ऑफ माइग्रेशन ओवर द कंट्रीज मिक्सड विद लोकल पीपल। जो एशियन जो लोग थे वो आके मतलब जो वहाँ के जो लोकल लोग थे उनमें मिक्स हो गए एंड डिवेलप्ड अ सिंक्रेटिक कल्चर विद पर्शियन एज द कोर लैंग्वेज। सिंक्रेटिक कहते हैं हम आगे, यानी उन्होंने आके तो
यानी वो जो इन्वेडर्स थे जो माइग्रेट करके यहाँ पे आए हुए थे वो मोस्टली जो है ना वो पर्शियन थे, ठीक है। तो उन्होंने आके तो क्या किया कि यहाँ पे लोग के साथ मिक्स हो गए और फिर इवन के पर्शियन लैंग्वेज को इन्होंने कोर लैंग्वेज भी बना दिया। इमिग्रेशन स्कॉलर्स प्रीच द मैसेज ऑफ इस्लाम एंड सूफी सेंट्स वन अक्रॉस रिलीजियस फॉलोइंग बाई देयर एग्जाम्पलरी पिटी नोबल कंडक्ट एंड सर्विस टू ह्यूमनिटी। द मुस्लिम रूलर डिड नॉट इम्पोज देयर रिलीजन एंड लोकल इनहेबिटेंट नॉट डिड दे एक्सक्लूड लोकल एलाइज फ्राम पोजिशन इन द आर्मी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। यानी उन्होंने अपना काम आराम से जारी रखा, इस्लाम को वो फैलाते रहे, सूफिज्म को वो फैलाते रहे, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी के ऊपर ज़बरदस्ती नहीं की, ठीक है। दे एक्सक्लूड लोकल एलाइज फ्राम पोजिशन इन द आर्मी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। और यहाँ तक के मतलब जो भी वो इन्वेडर्स आते थे जो यहाँ पे आके रूल करते थे तो उन्होंने लोकल्स को यानी इग्नोर नहीं किया, उनको अपनी उस अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में अपनी आर्मी में उनको पोजिशन देते थे। दो लाइक अदर्स बिफोर देम दे गेव प्रेफरेंस टू देयर किन एंड क्लांस। किन कहते हैं रिश्तेदार एंड क्लांस मैन कहते हैं अपने ख़ानदान के जो भी मेम्बर्स होते हैं, ठीक है। मतलब वो प्रेफरेंस ठीक है वो देते थे अपने रिश्तेदारों को और अपने खानदान वालों को, लेकिन वो लोकल लोगों को भी अपने आर्मी में और एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने शामिल किया था। आफ्टर द ब्रिटिश टू कंट्रोल मुस्लिम बिकेम सस्पेक्ट एंड वर नॉट ओनली स्प्लांटेड बाय स्प्लांटेड यानी लूट मार करना बाय लोअर लॉयल नॉन मुस्लिम बट आल्सो सब्जेक्टेड टू सप्रेशन। लेकिन जब ब्रिटिश आ गए तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मुसलमानों को भी अप्रेस करना शुरू कर दिया, एक्सक्लूजन एंड एक्सप्रोप्रिएशन। देवर फर्दर मार्जनलाइज यानी वो मजीद पसमानदा हो गए बिकॉज ऑफ द रिफ्यूजल टू रिकनसाइल। रिकनसाइल कहते हैं सुलह करना, ठीक है। यानी मुसलमानों ने ब्रिटिश के साथ मतलब इनकार कर दिया था कि हम आपके साथ सुलह नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रिटिश जो थे वो ब्रिटिश और हिंदू स्पेशली जो थे वो हिंदू ब्रिटिश के साथ मिलके तो बहुत ज़्यादा मुसलमानों को एक्सप्लॉइट करते थे। रिफ्यूजल टू रिकनसाइल एंड एडजस्ट टू द लॉस ऑफ पावर। अच्छा, उसके बाद जब 1857 की जंग आज़ादी हुई तो जो सर सैद अहमद खान थे उस आज़ाद जंग आज़ादी के बाद जो है ना सर सैद अहमद खान जो है ना फ्रंट पे आए और उन्होंने मुसलमानों को लीड किया। अब देखते हैं कि आगे उन्होंने कैसे लीड किया। सर सैद अहमद खान अ सोशल रिफॉर्मर एंड पॉलिटिकल विजनरी डिसर्न द डेंजर्स कन्फ्रंटिंग हिज कम्युनिटी। मुस्लिम थे तो उनकी कम्युनिटी यानी मुसलमान थे, ठीक है। डिसर्न कहते हैं तमीज करना या मालूम करना, यानी उनको मालूम हो गया था कि मतलब उनकी जो कम्युनिटी यानी मुसलमान जो हैं वो बहुत ज़्यादा डेंजर में हैं, ख़तरे में हैं। एंड इम्ब्रेक्ड आ कंपेन टू अवेकन एंड इंस्पायर द मुस्लिम पीपल टू अबंडन द बॉयकॉट ऑफ द फॉरेन रूलर्स एंड टू अक्वायर कंटेम्प्रेरी एजुकेशन। उनने क्या किया कि उन्होंने एक कंपेन शुरू कर दी अपने लोगों को मतलब अवेयर करने के लिए, उनको इंस्पायर करने के लिए, और फिर उनको कहा कि आप जितने भी फॉरेन रूलर्स हैं उनसे बायकॉट करें और उसके बाद जो है ना अपनी एजुकेशन पे तवज्जो दें। क्योंकि मैं जो रीज़न थी मुसलमानों के जवाल की वो यही थी कि उन्होंने ना एजुकेशन में किसी किस्म की कोई स्किल्स नहीं सीखी और यही वजह थी कि ब्रिटिश आए और उन्होंने इनके ऊपर जो है ना कंट्रोल हासिल करना शुरू कर दिया। Also founded a school that grew into the elegant Muslim university where learned academies some of them from England were employed to teach modern subject and prepare the youth for gainful opportunities in the professions and participation in the expanding political and economic life and institution of the land. उन्होंने फिर मतलब उन्होंने एक अलीगढ़ कॉलेज बनाया और फिर बाद में 1920 में आई गेस ये यूनिवर्सिटी बन गई थी सर सैयद अहमद खान की डेथ के बाद। आल्दो वो उनकी डेथ हो गई थी 1898 में डेथ हो गई थी, लेकिन जो है ना बाद में 1920 में उसको जो है ना यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया था। अभी जो इंडिया में है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है ये उन्होंने इसको ना पहले कॉलेज का दर्जा दिया था, ठीक है। तो ये सब ये जो अलीगढ़ कॉलेज जो उन्होंने एस्टेब्लिश किया था ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए किया था, ठीक है। As contemporary ideas of self-government and nationalism began to the stimulate political thought in the किधर गया in the later part of the 19th century
डिफरेंट एथनिक एंड रिलीजियस कम्युनिटीज़ प्रोजेक्टेड देयर फ्यूचर इन टर्म्स ऑफ देयर इंटरेस्ट हैं. द मुस्लिम कम्युनिटी कंप्राइजिंग अ क्वार्टर ऑफ द पॉपुलेशन इन ब्रिटिश इंडिया अवोक टू इट्स प्रिडिक्टमेंट करेक्टराइज बाई इकोनॉमिक डिसपैरिटीज एंड सोशल एक्सक्लूजन्स. द फ्यूचर लुक्ड ब्लीक एज देवर दे फेस द प्रॉस्पेक्ट ऑफ पावरलेस परमानेंट माइनॉरिटी. यानी मुसलमान जो होते हैं, जो कि पिछले 1000 साल में सब कॉन्टिनेंट में हुकूमत कर रहे थे, उनको जो है ना इन्होंने माइनॉरिटी बना दिया था. ब्रिटिश इंडिया सैयद अहमद खान आर्ग्यूड इन 1883 वाज अ कॉन्टिनेंट इन इट सेल्फ इनहेबिटेड बाई वास्ट पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट रेसिस एंड डिफरेंट क्रीड विच लैक द कम्युनिटी ऑफ रेस एंड क्रीड make the English people who one and the same nation. The idea of nationhood captured the national imagination of the Muslim community as its leader discerned the looming danger of political domination across the religious and social fault line. At first, they sought legal and constitutional safeguard to secure and ensure an equitable share in social and political institution. यानी उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के एजुकेशन के लिए काम नहीं किया, बल्कि उनको जो है ना सोशल और पोलिटिकल ट्यूशन में भी उनको उनके शेयर देने के लिए, शेयर मतलब उसको इंश्योर करवाने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिशें की. द रिफ्ट बिगेन टू वाइडन आफ्टर द फाउंडिंग ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1886. रिफ्ट कहते हैं शगाव को, ठीक है. अब ये जो शगाव था ये और ज़्यादा बढ़ गया जब कांग्रेस वजूद में आई थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, 86 में, विद एलन ऑक्टेवियन ह्यूमन. जो इसके फाउंडर थे वो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे, ठीक है. अब ब्रिटिश एक्स ऑफिशियल एज इट्स फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल फॉर 2 डेकेड. यानी वो पहले उसके सेक्रेटरी जनरल थे और फिर उन्होंने जो है ना बाद में रिटायरमेंट के बाद उन्होंने नेशनल कांग्रेस एस्टेब्लिश की थी 1886 में. डोमिनेटेड बाय द हिंदू एलीट. अब ये जो जमात थी, ये जो कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, ये कि इसको डोमिनेट कौन कर रहा था, हिंदू कर रहे थे, ठीक है, हिंदू के एलीट्स कर रहे थे. द कांग्रेस अट्रैक्टेड फ्यू मुस्लिम एज देयर लीडर एडवाइज देम टू कीप अलू फ्राम दिस नॉमिनल सेक्युलर पार्टी दैट सॉट टू सप्लांट द ब्रिटिश इन पोजिशन ऑफ पावर एंड इन्फ्लुएंस. अब इनका मुसलमानों का लीडर उस टाइम कौन था, सर सैयद अहमद खान थे, ठीक है, वही इनको हर जगह पर गाइड कर रहे थे. तो उन्होंने मुसलमानों को ये मशवरा दिया था कि वो कांग्रेस से दूर रहें, ठीक है, अलूफ कहते हैं फासला, ठीक है, यानी उससे दूर रहें. तो उन्होंने इनको मुसलमानों को एडवाइस दी कि वो कांग्रेस से दूर रहें और अपनी एजुकेशन पे फोकस करें, ठीक है. टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द राइट ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी द इट्स लीडर विद मॉडर्न एजुकेशन पोलिटिकल विजन एस्टेब्लिश द मुस्लिम लीग इन 1906. दरवाज़ा बंद करना. अच्छा, द इशूज़ वर जॉइंट इन 1909 वेन द कांग्रेस अपोज द प्रपोजल फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट्स दैट वुड इंश्योर रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम इन द गवर्नमेंट. अब ये जो सर सैयद अहमद खान 86 से पहले की जो कोशिश कर रहे थे मुसलमानों के लिए, तो वो उसका रिजल्ट कब मिला, 1909 में, ठीक है, जब वेन कांग्रेस अपोज द प्रपोजल फॉर सेपरेट इलेक्टोर, जब मुसलमानों ने सेपरेट इलेक्टोरेट्स की जो डिमांड रखी, तो कांग्रेस ने जब उसको बहुत ज़्यादा अपोज किया, यानी उसकी मुखालफत की, तो तब मुसलमानों को जाके समझ आई कि भाई जो सर सैयद अहमद खान कह रहे थे वो सही कह रहे थे. द टू कम्युनिटीज किधर गया. द इशूज़ वर जॉइंड इन 1909 वेन द कांग्रेस अपोज द प्रपोजल फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट दैट वुड इंश्योर रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम इन द गवर्नमेंट. द टू कम्युनिटीज आल्सो क्लैश्ड ओवर द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसीजन इन 1905 टू क्रिएट द न्यू प्रोविंस ऑफ ईस्ट बंगाल एंड आसाम. जब 1905 में बंगाल को तकसीम किया गया, तो उसके ऊपर भी कांग्रेस ने बहुत ज़्यादा जो है ना मुखालफत की थी. विच ब्रॉट सम रिलीफ टू द मुस्लिम मेजॉरिटी फ्राम द डोमिनेशन ऑफ एक्सप्लाइटेशन बाय वेस्ट बंगाल टू द कंट्रेंशन ऑफ द मुस्लिम लीग. द कांग्रेस सक्सेसफुली परसोर द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू एनल द डिवीजन इन 1911. 1905 में, सॉरी ये अभी मेरे जहन में नहीं है कि ये तकसीम बंगाल 1905 में हुई थी या 1906 में हुई थी. आई गेस 1905 में हुई थी, आप प्लीज़ इसको कंफर्म कर लीजिएगा. तकसीम बंगाल तो हो गई थी, यानी बंगाल को
दो हिस्सों में तकसीम कर लिया था, लेकिन फिर कांग्रेस ने ब्रिटिश के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर डाला था कि उन्होंने उनको 1911 में इस डिवीज़न को दोबारा से कैंसिल करना पड़ा था। यानी पहले उन्होंने 1905 में बंगाल को दो हिस्सों में तकसीम किया और फिर 1911 में इस फैसले को नल कर दिया। ठीक है, मोर इंड्योरिंग एंड इन द एंड इंसोलेबल वर कॉन्स्टिट्यूशनली इशू एज अ लीगल प्रपोज एंड कांग्रेस अपोज्ड सेफ गार्ड फॉर मुस्लिम। अब मुसलमानों कांग्रेस क्यों इसको अपोज कर रहे?